हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजीता। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक हैंड सैनिटाइज़र। ये हर्बल का हैंड सैनिटाइज़र है। घर में कैसे आसानी से बना सकते हैं और किससे बनता है, चलिए देखते हैं। और आजकल तो मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा नहीं आता है मार्केट में। चलिए देखते हैं घर में कैसे आसानी से बना सकते हैं और इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। और ये 1 लीटर पानी चाहिए इसके लिए, और 150 ग्राम नीम के पत्ते, 150 ग्राम तुलसी के पत्ते। ये गिलोय हैं, देखिए गिलोय हैं। मैं पत्ते सब निकाल के इसका स्टिक्स सब छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ली हूँ। और फिटकरी 50 ग्राम और 10-20 ग्राम कपूर, जो पूजा करते हैं वही कपूर लेंगे। और कूटने के लिए कूटन लेंगे। पहले फिटकरी और कपूर को कूटेंगे, क्योंकि गिलोयों को कूटने से गीला हो जाता है कूटन, इसलिए पहले ड्राई जो है चीज़ उसे कूट लेंगे और उसे फाइन पाउडर बना लेंगे, उसे साइड में रख लेंगे। ये फाइन पाउडर बन चुका है, इसे साइड में रख लेंगे। उसके बाद जो गिलोय हैं आपके वहाँ ये अवेलेबल है तो आप यहाँ इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और इसे अच्छी तरह कूटेंगे। ये मैंने कूट लिया है ये। और इसके बाद क्या करना है, जो 1 लीटर पानी था उसमें हाथ में तोड़ के तुलसी पत्तों को, तुलसी जो पत्ते हैं और बीज हैं जो, उसको हाथ में तोड़ के इसमें डाल लेंगे। उसके बाद नीम के पत्ते को हाथ में तोड़ के ऐसे डाल लेंगे। इसे बनाने से पहले अच्छी तरह हाथ धो के और पत्ते सब धो के करेंगे, और गिलोय को भी डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। उसके बाद गैस में, नहीं इंडक्शन में, आप इसे 10-15 मिनट तक उबाल लेंगे। और ये मैं उबाल रही हूँ। ये हो चुका है 10-15 मिनट। 10-15 मिनट तक ग्रीन होने तक, डार्क ग्रीन होने तक आप इसे उबाल लेंगे। और ये हो चुका है हमारा, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद एक छन्नी के मदद से इसे छान लेंगे। ये बन चुका है देखिए। और इसमें जो मैं पाउडर बना के, फाइन पाउडर बना के रखी थी अल्लम और कपूर का, मतलब फिटकरी और कपूर का, और इसमें अच्छी तरह डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। ये बन चुका है आपका हैंड सैनिटाइज़र हर्बल का। मैं हाथ में डाल के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड यानी डेटॉल, सेवलॉन आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। 10 ml डाल के यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एक खाली कंटेनर को साफ़ करके भी आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। और सैनिटाइज़र जो बचे, मतलब ख़त्म हो गए हैं, उसमें भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।